सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो हॉट न्यूज़ इंडिया। मैं अमनराज तिवारी तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ। यूक्रेन ते रूस की जंग जिहड़ी है लगातार चल रही है, तो इस जंग के कारण हर पासे जिहड़ा तनावपूर्ण माहौल बनिया होया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स उत्थे फसे हुए ने, तो उन्हां नूं भारत लिआउण दी लगातार जिहड़ी है कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके नाल जिहड़े इंडियन स्टूडेंट्स है वह सही सलामत अपने देश नूं परतण। गल करिए उत्थे दे स्टूडेंट्स कोल खाण पीण नूं भी कुछ नहीं हैगा, तो पानी वगैरह भी जिहड़ा बहुत ज़्यादा महंगा होया पिआ। तो यूक्रेन दे राष्ट्रपति खुद आर्मी दी यूनिफॉर्म पा के मैदान विच उतरे ने ताकि वह यूक्रेन नू बचा सकन। तो जिहड़ी साडे सामने इस टाइम जिहड़ी अपडेट्स आ रही है मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहवांगी कि यूक्रेन ते रूस दे तीजे दिन हमले विच फसे भारतीय स्टूडेंट्स नू घर वापस लै के आन वास्ते मुंबई तो जिहड़ा एयर इंडिया विमान जिहड़ा रवाना कर दिता होया। तो पोलैंड दे विच जिहड़ी भारतीय राजदूत नगमा मलिक हैगे, उन्होंने कहा कि 300 सैनिकां दा जिहड़ा गठन किया होया ताकि जिहड़े आ उत्थे यूक्रेन दे विच फसे भारतीयां नू पहला पोलैंड लैके आया जाए, तो पोलैंड तो जिहड़ा सुरक्षित उन्हां नू इंडिया वापस इंडिया तक पहुँचाया जाए। तो इस तों बाद गल करदे तो एक होर अपडेट जी सामने आई है सानू फ्लाइट्स नू लैके कि अज दिल्ली तो जी है एक होर फ्लाइट रवाना की गई है रोमानिया दे वास्ते, तो जी सवेरे फ्लाइट उड्डी सी रोमानिया वास्ते वो रोमानिया पहुँच चुकी है। तो रूस की फौज यूक्रेन के संसद में जी दाखिल हो चुकी है, तो उत्थे उसने भारी गोलाबारी की हुई है जिस की लपेट के उत्थे दे खारकीव जी सिटी है उसनों काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पिया है। तो राजधानी खारकीव की मैट्रो स्टेशन के पुल नूं उड़ा दिता होया। जानकारी मुताबिक रूस जिहड़ा है कुछ एक घंटिया के जिहड़ा यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। ये जी हुणे हुणे अपडेट आई है कि रूस जिहड़ा है कुछ एक घंटिया के यूक्रेन पर जिहड़ा कब्जा कर लेगा। तो रूस ने यूक्रेन के सारे हवाई अड्डिया उड़ा दिता होया। तो ये भी जी सुनन दे विच आ रहा है कि यूक्रेन के 20 सैनिकां ने रूस के अगे जिहड़ा आत्मसमर्पण कर दिता होया। यूक्रेन विच फसे भारतीय नागरिक लई भारत सरकार ने नवी जिहड़ी आ एडवाइजरी जारी की आ। उन्होंने कहा है कि उत्थे जिहड़े भारतीय स्टूडेंट फसे हुए ने अते ओ बिना भी इंडियन आर्मी दे इंडियन भारतीय अधिकारियों के तालमेल तो बिना बॉर्डर वाल ना जान क्योंकि वो किसी भी घटना के शिकार हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिहड़े हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए ने वो तुसी अपने कोल रखो ताकि अगर तुहानू कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुसी उन्हां हेल्पलाइन नंबर ते सानू कॉल कर सकते हो। तो इस दे नाल ही एक होर जिहड़ी अपडेट सामने आई है वो भी तुहाडे नाल सांझी करना चाहवांगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वालों रूस दे यूक्रेन विच किते हमलिया की निंदा करन वाले मते नूं रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करदिया रद्द कर दिता है। इस मते का अमेरिका, यूके, फ्रांस, घाना, कीनिया, गैबर, आयरलैंड, अल्बेनिया, नार्वे, मैक्सीको, ब्राज़ील द्वारा समर्थन किया गया सी। उत्थे ही भारत, चीन अते यूए ने इस दे विच हिस्सा जिहड़ा नहीं लिया। तो एक जिहड़ी होर अपडेट साढ़े सामने आई है कि यूक्रेन का कहना है, यूक्रेन का जिहड़ा दावा हैगा वो कह रही है कि उन्होंने रूस के 1000 जिहड़े सैनिकां नूं मार गिराया है, 80 टैंक जिहड़े उन्होंने नष्ट कर दिता है, 516 जिहड़ी भगदड़ गड्डियां सी उन्होंने भी नष्ट कर दिता है, 7 हैलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20,000 क्रूज़ जिहड़े आ मिसाइल हैगे उन्होंने भी नष्ट कर दिता होया। तो उधर जिहड़ा रूस जिहड़ा दावा कर रहा वो कह रहा है कि 211 ठिकाने सिगे सैनिका दे उन्होंने उन्होंने नष्ट कर दिता गया। तो हॉट न्यूज़ इंडिया तुहानू यही अपील करता है कि अगर तुहाडे आस पास भी कोई रह रहा या उन्होंने किसी तरीके की सहायता अगर जिहड़े नंबर जारी किए हुए उन्हां नाल कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो तुसीं साडे नाल संपर्क करो क्योंकि तुहानू स्क्रीन ते नंबर दिता जा रहा है। तो असी तुहाडी जिहड़ी प्रॉब्लम्स है जिहड़े तुसीं गल कह रहे हो वो असी गौरमेंट तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करांगे। तो तुसीं साडे नाल संपर्क जरूर करो कि असी तुहाडी किसी भी तरीके की हैल्प कर सकीए। तो बाकी दी जिहड़ी भी अपडेट आती है यूक्रेन के रिलेटिड असी तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे। तद तक लई धन्नवाद।